हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए के स्ट्रक्चर को आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं सेल के डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वेयर एज आर का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड डी और आर दोनों ही नाइट्रोजिनस बेस पेंटो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने हैं पेंटो शुगर दो टाइप की होती है डी ऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर डी एन ए में डी ऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है वेयर एज आर एन ए में राइबो शुगर पाई जाती है नाइट्रोजिनस बेस और पेंटो शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं आगे चल के न्यूक्लियोसाइड फॉस्फरिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं उसे ही हम डीएनए या फिर आरएनए कहेंगे आरएनए एन राइबो न्यूक्लियोटाइट से मिलकर बना है वे एज डी एन न्यूक्लियोटाइड से बना है आर न्यूक्लियस और साइटोप्लाजम में पाया जाता है आर सिंगल स्टैंडर्ड है शुगर की बात करें तो आर एन ए में राइबो शुगर पाई जाती है डी एन ए की तरह ही आर एन ए में भी नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होती हैं डी एन ए में अडे नाइन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन यह बेस पेयर प्रेजेंट होती हैं वैसे ही आर एन ए में अडे नाइन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल यह नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होती हैं ध्यान रखना है कि यूरासिल जो है वो प्रेजेंट होता है आर एन ए में ना कि थाइमिन थाइमिन प्रेजेंट होता है डी एन ए में आर एन ए में यूरासिल प्रेजेंट होता है शुगर और फॉस्फेट मिलकर हेलिक्स बनाते हैं आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है आर एन ए के तीन टाइप्स होते हैं एम आर एन ए आर आर एन ए और टी आर एन ए